किसे फोन मिला रही हो? सिद्धार्थ माँ को, वो ना केक बनाने की रेसिपी पूछनी है। उनका ना सुबह भी फोन आया था, उनको शॉपिंग पे जाना था पर बात ही नहीं हो पाई। अभी करके उनका हालचाल भी पूछ लूंगी और केक की रेसिपी भी पूछ लूंगी। रितिका बेटा जल्दी सो जाना, कल सुबह उठना है, तैयार भी होना है। पता है तुम्हारी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन है कल। रोशनी का फोन, और वो भी इस समय? आगे याद से सारा काम रेडी हो गया है। कृतिका जरा स्पीकर ऑन करना, तो हाथ में तेल लगा है। हाँ, ये वाला बात। हेलो रोशनी। हाय माँ, बिजी हो क्या? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कहो क्या काम है रोशनी? माँ, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ पाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा काम हो गया है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी बिजी थी। वो एक्चुअली फटका को ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराना था। इतना पागलपन हो रखा था ना माँ, सिर्फ एक शराबी बदतमीज लड़की की वजह। सोचिए माँ, वो लड़की इतनी सेंसिटिव, इतनी बदतमीज थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब वो एक पैसे की शर्म नहीं। पता नहीं कैसी फैमिली से आते होंगे ऐसे लोग जिनको को किसी बात की परवाह ही नहीं होती। माँ, उस लड़की की वजह से फटका का एक्सीडेंट, मुझे चोट लगी। ऐसे लोगों को तो ना बस जेल में पकड़ के छोड़ देना चाहिए। क्या गिरा? सब ठीक तो है ना? नहीं रोशनी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज तुम्हें किसी के बारे में भी ऐसे बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। मैं जानती हूँ उस लड़की ने गलती की है, लेकिन उसके कोई हालात होंगे। किस हालात में थी हमें क्या पता। तो प्लीज किसी के बारे में ऐसा बुरा मत बोलो। अच्छा, किसने फोन किया था तुमने? माँ, वो कल ना डीडी का बर्थडे है ना, तो मैं केक बनाने का सोच रही थी, तो उसी के लिए रेसिपी पूछनी थी आपसे। अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बाद में बात करती हूँ। माँ, तूने बिल्कुल सही किया, छोटी और मक्कार है रोशनी। मतलब मैं उसके घर पे स्पेशली उसे सॉरी बोलकर आई और फिर भी मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही है। अपना काम आया तो रात को कॉल कर ली, और आज सुबह जब तुमने उसे बुलाया था तो उसके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। मेरी मॉम के साथ ऐश कर रही थी। माँ, अब तुझे रियलाइज हो रहा है ना कि कौन कितना अपना है और कितना पराया।